Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 11th of August के current affairs क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का PDF का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, उस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एक नेशनल पोर्टल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रकाश जावेदकर। तो प्रकाश जावेदकर है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसका नाम है सुरक्षा। तो चलिए एक बार मैं ब्रीफिंग्स दे देती हूँ कि ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिफेंट्स और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हाल ही में केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की मौत हो गई थी बिकॉज उन्होंने एक पाइनएप्पल खा लिया था जिसमें फायर क्रैकर्स लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि जंगलों से एलिफेंट्स गांवों की तरफ आ जाते हैं और लोगों की फसल को या घरों को उजाड़ देते हैं। तो कई टाइम से हाथी और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसे रिजॉल्व करने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा। तो चलिए अब इसकी डिटेल्स जानेंगे आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर ने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा, जो कि होगा ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। इस पोर्टल के माध्यम से जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएंगी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स, इन्हें भी रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व किया जाएगा। और ये लॉन्च किया गया है 12 अगस्त को, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे के एनुअल इवेंट के ऊपर इसे लॉन्च किया गया है। 2012 में से वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जा रहा है बिकॉज 2012 में पहली बार जो एशियाई और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनकी प्राइड लोगों के सामने आई। बहुत सारे इलीगल तरीके से हाथियों का शिकार होता है और ऐसी कई सारी परेशानियां होती हैं हाथियों को लेकर, तो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसके अलावा ये जो पोर्टल है ये डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल्स को भी सेट करेगा, डेटा विजुअलाइजेशंस को सेट करेगा और इसके अलावा जो डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइंस हैं उसको में भी हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस एयरपोर्ट ने हाल ही में एक ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हाल ही में एक ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 भारत में बुरी तरह से फैला हुआ है और इसके कारण जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भारत में बंद है और इसके लिए भारत ने एयर बबल्स का सहारा लिया है, यानी कि कुछ देशों के साथ हमारी विमानें चल सकती है और इसके लिए एयर बबल्स लॉन्च किया गया है। तो जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उन्हें पहले एक मैंडेटरी क्वारंटाइन ऑप्ट करना पड़ता था, मैंडेटरी क्वारंटाइन, और अब उससे छुटकारा पाने के लिए ये एयर सुविधा की फैसिलिटी उनके लिए लाई गई है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो एक GMR ग्रुप लेड कंसोर्टियम है, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने एयर सुविधा लॉन्च की है अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। ये एक पोर्टल है जहां पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं वो एक मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और खुद को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं फ्रॉम द मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन प्रोसेस।
तो इसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही दे दी कि उन्हें एक मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना पड़ता था, और इसके लिए अब उसे छुटकारा पाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑलरेडी एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पर वो लोग अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्रोसेस है उससे उन्हें निजात मिल सकती है। तो ये 5 कैटेगरी के लोगों को अलाउड है, वो इससे एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस पोर्टल पे अपने जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है, अपनी पासपोर्ट कॉपीज वगैरह है, अपडेट करना होगा। तो चलिए एक बार मैं बता देती हूँ किन किन लोगों को एग्जेम्पशन मिल सकता है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला को इससे एग्जेम्पशन मिल सकता है। दूसरा, अगर आप किसी डेथ के कारण फ्लाई कर रहे हैं टू इंडिया तो आप इस प्रोसेस से एग्जेम्पशन ले सकते हैं मैंडेटरी क्वारंटाइन का। दूसरा, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है जिसके कारण आप ट्रीटमेंट के लिए भारत में आ रहे हैं तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स अकंपनी कर रहे हैं वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और आखिरी कि अगर उनके पास COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है। तो ये 5 कैटेगरी के लोग हैं जो खुद को मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन प्रोसेस से एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और इसके लिए उन्हें, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उन्हें डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट या फिर रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। अगर कोई डेथ के कारण आया है फैमिली में तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा कोई भी सीरियस इलनेस के कारण आया है तो उन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा देने होंगे। और अगर जो पेरेंट्स अकंपनी कर रहे हैं 10 वर्ष से कम के बच्चों को, उन्हें अपनी पासपोर्ट कॉपी अटैच करके देनी होगी और COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट उन्हें लेना होगा, तब वो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन प्रोसेस से एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो भी COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देगा वो टेस्ट विद इन 96 आवर्स होना चाहिए बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट, यानी कि 4 दिनों पहले वो COVID-19 टेस्ट होना चाहिए बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 96 आवर्स। तो चलिए अब और डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो एयर सुविधा प्रोसेस है, ये जो हमारी पैसेंजर्स की जर्नी है वो और ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाएगा, और इससे ये एब्सोल्युटली कॉन्टैक्टलेस वे भी रहेगा जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है और उन्हें फिजिकल कॉपीज अराइवल में देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है किस राज्य सरकार के गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत एक MOU साइन किया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है हमने कि जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट, उन्होंने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, जिसके तहत जो भी हमारे कारीगर है, हमारे वीवर्स है और क्राफ्ट्समैन को मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाया जाएगा। इनकी जो कला है या इनकी हाथ इनकी जो कारीगरी है उसको पूरे देश भर में दिखाया जाएगा फ्लिपकार्ट के माध्यम से। इससे जो हमारी विलेज इंडस्ट्री है, हमारी आर्टिस्टिक इंडस्ट्री है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसे बूस्ट मिलेगा। इस इनिशिएटिव का नाम है फ्लिपकार्ट समत, और 2019 में फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया था जिसके तहत उन्होंने हमारे देश भर से जो हमारे कारीगर है, हमारे वीवर्स है और क्राफ्ट्समैन है, उनको वो मेन स्ट्रीम बिजनेस में लेके आए थे। और इसके अलावा वो कई सारे उन्हें बेनिफिट्स दे रहे थे, जैसे कि फ्री ऑनबोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, उनके लिए मार्केटिंग भी कर रही थी फ्लिपकार्ट, उन्हें बिजनेस इंसाइट्स दे रही थी और वेयर हाउसिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है हमारी जो आर्टिस्टिक दुनिया है, जो हमारे आर्टिस्ट है, हमारे वीवर्स है, इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा, इनको भी ग्लोबल बूस्ट मिलेगा और एक ये लार्ज कंज्यूमर बेस को अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं ODOP स्कीम, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके तहत हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें बूस्ट मिल सके, और इसके अलावा जो हमारे एक्सक्विजिट इंडिजीनियस लेगेसी है उत्तर प्रदेश की, उसे हम प्रिजर्व कर सके और प्रमोट कर सके और पूरी दुनिया भर में उसका प्रचार कर सके। तो चलिए अब यूपी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यूपी का कैपिटल है लखनऊ, यूपी की गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, और यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन किया है खुद को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी इंडिया। हाल ही में भारत ने 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगाई है और आत्मनिर्भरता को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त को ये अनाउंसमेंट की है कि हमारी सरकार ने 101 आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर की है जिनके इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है, और ये किया गया है बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, उसे बूस्ट करने के लिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड है। ये रोक 5 वर्षों के लिए लगाई गई है, यानी कि 2020 से 2025 तक रोक लगाई गई है, और इसमें कई सारे आर्टिलरी गन्स हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है, शिप बोन क्रूज मिसाइल्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है, लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, कई वैरायटी के रेडार्स और असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, मिनी UAV है, और कई सारे डिफरेंट तरीके के एम्यूनेशंस है। तो ये सारे आइटम्स पर रोक लगा दी गई है अगले 5 वर्षों के लिए, और इससे जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट है उससे बढ़ोतरी की जाएगी, और हमारे जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसे ये ऑर्डर्स दिए जाएंगे ताकि उसे बूस्ट हो सके। इसके अलावा हाल ही में इन द मंथ ऑफ जुलाई, 21 जुलाई के आसपास हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके तहत वो 512 माइन प्लाउज खरीदेंगे उनसे फॉर T90 टैंक्स। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में जंक फूड के सेल पर रोक लगा दी गई है विद इन 50 meters ऑफ स्कूल? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI ने हाल ही में 50 meter के एरिया में जंक फूड के सेल्स पर रोक लगा दी है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी जंक और अनहेल्दी फूड है वो स्कूल्स और एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस के 50 मीटर्स के भीतर नहीं सेल किया जाएगा, उनके सेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये किया गया है बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। जब ये जंक और अनहेल्दी फूड्स स्कूल्स या फिर उनके कैंपस के बाहर सेल होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उसे खाने के लिए, और इससे उनकी एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो रही थी। और इसके अलावा FSSAI ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो उनके खुद के कैंटीन्स में हेल्दी फूड्स जिसमें बैलेंस डाइट हो वो प्रोवाइड करें, और इसके लिए वो अलग अलग डाइटिशियंस से मिलकर टाइम टू टाइम उस लिस्ट को रिवाइज करें। इसके अलावा जो भी फूड्स हैं जिन्हें HFSS यानी कि हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर रेफर किया जा रहा है वो भी स्कूल्स के जो प्रमाइसिस और कैंटीन्स है उनमें नहीं बेचा जा सकता है। तो चलिए अब FSSAI के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी खोज की गई थी
अगस्त 2011 में। इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इनके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है यानी कि रीटा टियोटिया वो उसकी चेयरपर्सन है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने एक पैनल का गठन किया है जिसके तहत जो ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम है उसमें सीलिंग रेट फिक्स की जाएगी एक्सपोर्टर्स के लिए, तो उस पैनल के चेयरमैन कौन है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जीके पिल्ले। चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने तीन मेंबर कमेटी का गठन किया है और जिसके जो अध्यक्ष है वो है रिटायर्ड सेक्रेटरी जेके पिल्ले। और ये जो कमेटी है ये डिटरमाइन करेगी, एक सीलिंग रेट्स फिक्स करेगी जिसके तहत जो ये रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं वो कितना क्लेम कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स। ये थ्री मेंबर की जो कमेटी है ये 3 महीने लेगी और उसके बाद अपने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। इसके अलावा जो ये रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस है अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कई सारे रीइंबर्समेंट्स क्लेम किए जा सकते हैं जैसे ड्यूटी ऑन पावर चार्जेस, वैट ऑन फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन, फार्म सेक्टर, कैप्टिव पावर जनरेशन, मंडी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद सीलिंग रेट्स फिक्स होने के बाद जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन द ग्लोबल मार्केट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में जो रीसेंट कमिटीज है उनके अध्यक्ष कौन कौन है। जो कमिटी है ऑन एनालिसिस ऑफ QR कोड उसके अध्यक्ष है प्रोफेसर दीपक बी फाटक। नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष है प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। सेबी के रिजिट्स एडवाइजरी के अध्यक्ष है उषा थोरट। नेशनल लेवल कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ के अध्यक्ष है रणबीर सिंह। और जो कमिटी गठन की गई थी जो एग्जामिन कर रही थी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग श्योरिटी बॉन्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स उसके अध्यक्ष है जी श्रीनिवासन। और हाल ही में एक कमिटी का गठन हुआ था जो पैरामीटर्स सेट कर रही थी फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग, उस कमिटी के अध्यक्ष है केवी कामत। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, इनमें से किस दिन पर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि 9 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। इस दिन जो हमारे इंडिजीनियस पीपल है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को कैसे प्रिजर्व करके प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो 2020 का थीम है वो है COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 10 अगस्त। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। वर्ष 2015 से हर साल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो मना रही है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और लोगों को अवेयर कराया जाता है कि कैसे जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है उन्हें हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स पहला तो उन्हें बहुत टाइम लगता है उनके फॉर्मेशन में और दूसरा वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये दो मेजर कारण हैं जिनके कारण फॉसिल फ्यूल्स
का जो यूज है वो आजकल काफी कम हो गया है, और अलग अलग सरकारें प्रमोट कर रही है नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ग्रीन फ्यूल्स, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिनमें पॉल्यूशन काफी कम होता है और जो एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए इसके बारे में लोगों को सचेत कराने के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, SSC रिलेटेड हो, JAB रिलेटेड हो, CAB हो या फिर Para 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने अकाउंट में उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा अगर ये वीडियो से कोई भी शिकायत हो या फिर कोई कॉमेंट्स हो तो हमें ज़रूर करके बताइए, और अगर हम आपके लिए कुछ नया ला सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।